और दोस्तों चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब पता हो या फिर उस क्वेश्चन से संबंधित कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज हो तो दोस्तों उसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। उससे क्या होगा कि आप जब अपने हाथ से लिखेंगे तो वो क्वेश्चन आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला देश, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीदरलैंड ने सबसे पहले इच्छा मृत्यु को लीगल किया था। अब दोस्तों इच्छा मृत्यु के बारे में जान लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको कोई गंभीर बीमारी हो और फ्यूचर में उसका ठीक होने का कोई भी चांस ना हो और उसको मशीनी उपकरणों के सहारे जिंदा रखा जा रहा हो, तो दोस्तों अगर वो व्यक्ति चाहे और उसके घर वाले चाहें तो इच्छा मृत्यु ले सकते हैं उस व्यक्ति के बारे में। और दोस्तों ये काम जो है डॉक्टर की निगरानी में ही सिर्फ किया जाता है। अगर बात करें भारत में इच्छा मृत्यु को कब लीगल किया गया, तो 9 मार्च 2018 को भारत में भी इसे वैध कर दिया गया है। अगर बात करें नीदरलैंड के बारे में, तो नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम और नीदरलैंड की मुद्रा है यूरो। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार नोटा का उपयोग कब किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2013 में किया गया था। अब दोस्तों जान लेते हैं नोटा के बारे में। तो नोटा की फुल फॉर्म है नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव यानी कि ऊपर वालों में से कोई नहीं। अब दोस्तों नोटा का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो याद रखिएगा जब भी आप मतदान करने जाए तो वहां पर ऑप्शन होती है कि आपको ये वाला उम्मीदवार पसंद है, ये या फिर ये। अब दोस्तों नोट कीजिएगा कि लास्ट में एक ऑप्शन होती है नोटा की, नोटा की ऑप्शन होती है लास्ट में। इसका मतलब होता है कि आपको ऊपर वाले उम्मीदवारों में से कोई पसंद नहीं तो आप नोटा का बटन दबा सकते हैं। अब बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो याद रखिए नोटा का जब पहली बार इंडिया में उपयोग किया गया तो वो किया गया था असेंबली इलेक्शन के दौरान। और ये असेंबली इलेक्शन कहाँ पर हुए थे याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, दिल्ली नहीं दिल्ली है, और यहाँ पर अगला है छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये इलेक्शन करवाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, आरटीआई शुरू करने वाला पहला देश, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वीडन ने शुरू किया। किसको? आरटीआई को। आरटीआई की फुल फॉर्म है राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार। और दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में कि आरटीआई एक्ट कब बना, तो ये आप याद रखिएगा कि 2005 में बना था। और दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए कि 12 मई 2005 को संसद द्वारा इसे पारित किया गया और 12 अक्टूबर 2005 को इसको लागू किया गया। अब बात करते हैं स्वीडन के बारे में, तो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम और मुद्रा है स्वीडन की स्वीडिश क्रोना। अगला क्वेश्चन है, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयरलैंड। 25वां क्वेश्चन है, अपना पहला क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन लॉन्च करने वाला पहला देश, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेनेजुएला। वेनेजुएला ने सबसे पहले अपना पहला क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन लॉन्च किया था। अब दोस्तों आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि भारत में किस जगह पर सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन वाला एटीएम स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। चीन ने सबसे पहले सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू की। अब बात करते हैं चीन के बारे में, तो चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है चीन की रेनमिनबी, प्रधानमंत्री हैं चीन के ली केकियांग और अध्यक्ष यानी के चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है, विश्व कप फुटबॉल यानी कि फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उरुग्वे। उरुग्वे ने सबसे पहले विश्व कप जीता था फुटबॉल का। अब बात करें तो ये कब हुआ, तो ये दोस्तों सबसे पहले आयोजित किया गया था विश्व कप फुटबॉल 1930 में और इसे आयोजित किया गया था उरुग्वे में। अगला क्वेश्चन है, नए साल का जश्न मनाने वाला पहला देश, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा सामोआ किरीबाती। सामोआ किरीबाती दोस्तों सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले नया साल मनाता है, ये आप याद रखिए। और अगर बात करें सबसे लास्ट में जाकर कौन सा देश मनाता है नया साल, तो उसका उत्तर हो जाएगा बेकर द्वीप यानी के बेकर आइसलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अच्छा एक बार बताइए दोस्तों, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया,
क्योंकि दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले तो पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं 29वां क्वेश्चन। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला पहला देश, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज ने लगातार पहली बार और दूसरी बार सबसे पहले आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जीता था। और अगर बात करें सबसे पहले आईसीसी क्रिकेट विश्व कप कब आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया गया था 1975 में और इंग्लैंड में से आयोजित किया गया था। अब दोस्तों 2019 में भी आयोजित किया जाना है क्रिकेट का विश्व कप, और वो किया जाएगा इंग्लैंड में। याद रखिएगा 1975 में जब पहली बार किया गया वो भी इंग्लैंड में आयोजित किया गया, अब जो 2019 का आयोजित किया जाएगा वो भी इंग्लैंड में ही किया जाएगा। अब दोस्तों आप बताइए कि 2019 के बाद 2023 में कहां पर इसे आयोजित किया जाएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हॉकी विश्व कप जीतने वाले माफ कीजिएगा, हॉकी विश्व कप की मेजबानी करने वाला पहला देश, तो इसका सही तो जाएगा बार्सिलोना स्पेन। बार्सिलोना स्पेन में सबसे पहले हॉकी विश्व कप की मेजबानी की गई थी। अगर बात करें सबसे पहले इस मैच ने किसने जीता, तो इस मैच में जीता था पाकिस्तान ने। अगर बात करें 2018 की, तो वो 2018 में कहां पर आयोजित किया गया, ये आयोजित किया गया था उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, 2018 में भारत में आयोजित किया गया। अगर बात करें 2018 के विजेता कौन है, तो वो है बेल्जियम और उप विजेता है नीदरलैंड। अब दोस्तों एक और पॉइंट नोट कर लीजिए कि भारत ने 1975 में पाकिस्तान को हराकर विश्व कप जीता था, किसका, हॉकी का। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट श्रृंखला जीतने वाला एशिया का पहला देश, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। भारत इकलौता एशिया का पहला देश है जिसने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट श्रृंखला जीती है, और ये कब हुआ, ये 2019 में ही हुआ है, हाल ही में ये काम हुआ है। अगर बात करें आईसीसी की, तो आईसीसी जो है एक बोर्ड है जो क्रिकेट के बारे में पूरी मान लीजिए एक मैनेजमेंट करता है, तो आईसीसी के फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अगर बात करें मुख्यालय कहाँ पर है आईसीसी का, तो यह है दुबई में, यूएई यानी कि संयुक्त अरब इमारात। अगर बात करें अध्यक्ष की, तो वो है शशांक मनोहर और सीईओ है आईसीसी के डेव रिचर्डसन। अगला क्वेश्चन है, डेविस कप जीतने वाला पहला देश, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वीडन। स्वीडन ने सबसे पहले डेविस कप जीता था। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए कि डेविस कप किस स्पोर्ट से यानी कि किस खेल से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन है, चांद पर मानव भेजने वाला पहला देश, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूएसए। यूएसए ने सबसे पहले चांद पर अपना पहला व्यक्ति भेजा था जिसका था नाम नील आर्मस्ट्रांग। अगर बात करें यूएसए के बारे में, तो यूएसए की फुल फॉर्म है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। राजधानी है यूएसए की वॉशिंगटन डीसी और यूएसए के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। और दोस्तों आप नीचे कमेंट बॉक्स में एक चीज़ लिख के बताइए, आपको बताना है कि वॉशिंगटन डीसी यूएसए की कैपिटल है, राजधानी है, लेकिन दोस्तों ये डीसी है, वॉशिंगटन के बाद लिखा है डीसी, इसका मतलब क्या है, जो ये डीसी लिखा है ऐसे करके इसका मतलब क्या है। ठीक है दोस्तों, आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर लिखिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला पहला देश, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रशिया। रूस ने सबसे पहले अंतरिक्ष में उपग्रह भेजा था। अगर बात करें रूस की, तो रूस की राजधानी है मॉस्को, रूस की मुद्रा है रूसी रूबल और रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमिर पुतिन। अब दोस्तों बात करें रूस की, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए कि रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। और दोस्तों नीचे एक और बात लिखिए कमेंट बॉक्स में कि सबसे छोटा देश कौन सा है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपसे मैं इतने सारे बोलता हूँ कि नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब लिखिए। आप दोस्तों ये मत सोचिए कि बहुत सारे जवाब आपको लिखने पड़ेंगे, दोस्तों जब आप ये जवाब लिखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह याद हो जाएंगे और दोस्तों दूसरे लोगों की भी इसमें हेल्प होगी। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब जवाब जरूर लिखा करें। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक ओलंपिक की मेजबानी करने वाला पहला देश, तो इसका सही तो जगह यूनान। दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर दोस्तों यूनान इसका उत्तर आएगा, अगर इंग्लिश में कहें तो
ग्रीस। अगर बात करें ग्रीस के बारे में, तो ग्रीस की राजधानी है एथेंस और यहाँ की मुद्रा है यूरो। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला देश जिस पर परमाणु बम से हमला हुआ, तो इसका सही तो हो जाएगा हिरोशिमा, जो कि जापान में है। अगर बात करें जापान के बारे में, तो जापान की राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है जापान की जापानी येन और जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में एटीएम स्थापित करने वाला पहला बैंक। दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखे हैं 3 क्वेश्चन मार्क, क्योंकि दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है। आपको बताना है कि भारत में एटीएम स्थापित करने वाला पहला बैंक कौन सा है। अब दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं जो हमने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था। क्वेश्चन था, भारत की खेल राजधानी किसे कहा जाता है, तो इसका सही तो हो जाएगा मेरठ, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए है आज का। क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में से आप चुनिए उत्तर कौन सा होगा, और जितने आप ऑप्शन में से चुनिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जो लिखेगा कि आपका उत्तर कौन सा है। आपको बताना है कि भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में दोस्तों लगा बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।